कंगना रनौत लड़ेंगी लोकसभा चुनाव 2024। सारा अली खान ने राजनीति में आने को लेकर कही बात। फ्यूचर प्लान पर बोली सारा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना रनौत का लोकसभा चुनाव 2024 को लड़ने की चर्चा इस वक्त काफी चर्चा में चल रही है। होम टाउन हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना चुनावी रण में उतरेंगी। इस बीच अब सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान ने राजनीति में एंट्री लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आइए जानते हैं कि अपने पॉलिटिक्स रुचि को लेकर ए वतन मेरे वतन अभिनेत्री ने क्या क्या कहा है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस पर सारा अली खान की बहुचर्चित पॉलिटिक्स ड्रामा फिल्म ए वतन मेरे वतन रिलीज हुई है। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान नेटफ्लिक्स के चैट शो को लेकर अनुभव सिंह बस्सी को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान रैपिड फायर राउंड में उनसे पूछा गया है क्या वह भविष्य में राजनीति में एंट्री लेंगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा है जी हाँ बिल्कुल करूंगी। इससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने राजनीति में दाखिल होने को लेकर कहा, मेरे पास इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मैं अपनी जिंदगी में आगे चलकर जरूर राजनीति करना चाहूंगी। हालांकि ये कोई बैकअप प्लान नहीं है, जब तक मुझे लोग बॉलीवुड में रहने का अवसर देते रहेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। वहीं एक्ट्रेस की रिसेंट मूवी के बारे में बात करें तो ए वतन मेरे वतन से पहले सारा अली खान की एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मर्डर मुबारक मशहूर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ऐसे में दो लगातार OTT फिल्म को लेकर सारा ने अपनी कमाल की एक्टिंग से जमकर वाहवाही लूटी है। फिल्म ए वतन मेरे वतन में सारा ने स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का किरदार अदा किया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाहिया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।